बहुत स्वागत करती हूं एक बार उनके लिए जोर से तालियां। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप सब लोग पिछले एक हफ्ते से जिस जिस जगह पे भी सभा लग रही थी वहां पहुंच के मैंने एक ही चीज को पढ़ा कि आप सबके चेहरे, आप सबका मन इस बात को कबूल कर रहा है कि ऐसा ही माहौल मैंने कभी दिल्ली में देखा था। जिस गौर से, जिस तरीके से आप इस मंच की बात को सुनते हैं, ऐसा ही माहौल मैंने कभी पंजाब में देखा था। तो एक बात सामने आ रही है कि आप लोग भी तैयार हो इस बार वोट झाड़ू को देने के लिए। और ये बात बिल्कुल तय है भाई, बहुत सारी बड़ी उम्र के लोग, बहुत सारी बड़ी उम्र के बुजुर्ग पिता समानियां बैठे हुए हैं। आपने बड़ी सरकारें बनाई हैं, बड़े मंत्री बनाए हैं, बड़े विधायक बना के यहां से भेजे हैं। हर 5 साल बाद आप वोट डालते हो और वोट का मतलब एक समझते हो कि सरकार बनाएंगे। पर इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो वोट डालने जा रहे हो 1 तारीख को, उसका केवल एक ही मंतव्य नहीं है कि आप सरकार बदलने जा रहे हो। उसका एक ही मंतव्य नहीं है कि आप विधायक चेंज करने जा रहे हो। और इस बात को याद रखिए कि 3 तारीख को होने वाला चुनाव इस बार कुछ और इतिहास लिखने जा रहा है। और इतिहास इस बार कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने युवा के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो 1 तारीख का चुनाव है, बड़ा कुछ तय करने जा रहा है। और एक बात और है, क्योंकि जितनी बार भी आपने वोट करा होगा, हर 5 साल बाद आपके सामने आपके नेता खड़े होके की बात बोलते थे कि हमें 5 साल और चाहिए। हर बार एक ही चीज बोली कि हमें 5 साल और दे दीजिए, 5 साल बाद आपको नौकरियां देंगे, 5 साल के बाद आपको रोजगार के मौके पैदा करेंगे। और एक ही चीज बोली होगी अवश्य कि 5 साल बाद हम यहां पे स्कूल, अस्पताल बना देंगे, पर आज तक बने नहीं है, नहीं बने हैं। मगर ऐसा किसी ने नहीं बोला कि अगर 5 साल किसी सरकार ने कोई काम करा है तो वोट दे दो। सब बोलते हैं 5 साल और दे दो, पर आपको पता है इस देश में ऐसा एक ही नेता, एक ही शख्स है जिसने ये चीज बोली है कि 5 साल अगर काम करें हो तो वोट दे दो, अगर नहीं करें हो तो मत देना वोट। पता है कौन है वो? कौन है? जैसे आवाज नहीं आई वहां से, कौन है भाई? इसलिए मुझे लग रहा है कि आपका मन बन गया वोट देने को, बन गया ना? तो मैं ज्यादा सामान ही लूंगी क्योंकि संजय जी हमारे सामने बैठे हैं, क्योंकि हम सब लोग बैठ के इनकी बात सुनेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बता दीजिए कि आपका मन बन गया। आम आदमी पार्टी, इनकलाब, भारत माता की,
बहुत बहुत।